हाँ तो सज्जनों बताया है, मैं आपको छोटी सी एक मां की ममता की कहानी सुना देता हूं। बताते हैं कवि ने कि भाई राम नाम का स्मरण कर ले फिर प्रेम की माला, जिसका दुश्मन क्या कर सकता उसी का राम रूपा। तो जो व्यक्ति उस ईश्वर को भजता है उसको दुश्मन भी नहीं मार सकता, और जो व्यक्ति अपनी मां को कुछ नहीं समझता है उसका वो भगवान भी वेली नहीं है। तो बताया था मैंने माता पिता परमात्मा मिलता में दूजी बार है, जितने करे माता की सेवा उसका ही तेरा पार है। तो बताया सजनों मां की ममता कितनी बड़ी होती है। अरे एक समय काजी कर सुनाऊं मां की कितनी आत्मा, मां का हाथ पीछ पर धर जा के कर ले पर मात्मा, 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 मां का हाथ सीत पर धर जा के कर ले पर मात्मा, के कर ले पर दार रह तू ध्यान लगा माँ बाप का, माँ का हाथ जीत पर धर जा के कर ले परमात्मा, के कर ले सजनों बताया है। बोला भाई एक समय का जिक्र सुनाऊं मां की कितनी आत्मा, मां की ममता कितनी बड़ी होती है, मां का हाथ सीज पर दर्जा के कर ले परमान। सजनों मां का श्राप जिस नर को लग जाए तो उस श्राप का भगवान भी नहीं हटा सकता, और मां का आशीर्वाद जिस नर के सीज को पर हो जाए तो वो एक ईश्वर से भी बड़ा है। सजनों बोला भाई मात पिता एक ऐसी चीज है मिले ना दूजी बार, और मां की सेवा कर ले बंदे हो जाएगा बेड़ा पार, नहीं डूबेगा मझधार रे ध्यान लगा मां बाप का, मां का हाथ सीज पर दर्जा के कर ले परमात्मा। तो सजनों आगे क्या होता है,
हाल सुनाऊं आगे काय की शरम और तरह की। एक टाइम पर रोटी रा मिलती घनी मुसीबत सती रा घनी मुसीबत। कुछ दिनों में प्रभु कुछ दिनों में प्रभु राजी कर दी कुछ दिनों में प्रभु राजी कर दी। हो गया साल साथ का माता हाथ सिद्ध पर धर जा के कर परमात्मा के कर सदनों बताए हाल सुनाऊं आगे का। एक शहर में औरत रहती सदनों, उसका पति कुछ ही दिनों में मर जाता है, लेकिन वो गर्भ से थी। उसने विचार लगा लिया कि भाई अगर जे अपने लड़की हो गई तो इस दुनिया में अपना कोई धनी धोरी नहीं है। सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाकर के अरदास करती, बोला भगवान मुझे देना तो एक लड़का ही देना जो कि मेरी सेवा तो करेगा कभी से। सदनों बताया कभी ने बोले भाई हाल सुनाऊं आगे का। एक शहर में औरत रहती और एक टाइम पर रोटी मिलती घनी मुसीबत। बोला भाई सुबह शाम दो टेम नेम से ठाकुर द्वारे जाती करके सेवा हाथ जोड़ कर पुत्र मांगा कर दी। कुछ ही दिनों में प्रभु राजी कर दी, एक लड़का हो गया। बोला कुछ ही दिनों में प्रभु राजी कर दी, हो गया साल सात का, सात साल का हो गया ऐसे करते करते। माता हाथ शीश पर दर्जा के कर ले परमा। सदनों बच्चे को स्कूल में घाल करके, लेकिन अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उधर बच्चे की पढ़ाई के पैसे मांगना चालू कर दिया कौन मास्टर जी, अब कहां से ले आवे औरत की जात। लेकिन फिर भी बताया कभी ने बच्चे को स्कूल गाल थर भीख मांग कर लाती, आप खाने की परवाह न रखी से जमा कराने जाती रे जमा कराने जाती। उसको तले खिला पिला करे ऐस कराया करती, माँ की ममता जीवत रहती नर कदे नहीं मरती रे कदे नहीं मरती। पाठ दे हाथ चित
मेरे सदनों बताया बच्चे को स्कूल में घाल करके भीख मांग करके लाती। बोले भाई बच्चे को स्कूल घाल कर भीख मांग कर लाती और आप बता कभी ने बच्चे को स्कूल घाल कर भीख मांग कर लाती आप खान की परवाह ना फीस जमा कर। सदनों उसे की भीख मांगनी में अपना काम चलाती और उनमें से उस बच्चे की पढ़ाई करती। बोला भाई उसको तो ले खिला पिला कर ऐश कराया करती। माँ की ममता कितनी बड़ी होती है और माँ की ममता जीवित रहती नर कदे नहीं मरती। सदनों माँ की ममता सदा ही जीवित रहती है इंसान के। बोला भाई बांट देख वो करती रहे। जब स्कूल से भाई स्कूल से वापस आता बाहर देखा करती कि भाई मेरा बेटा अभी आओ। बोला भाई बांट देख वो करती रहे ले राजी होती आत्मा माँ का हाथ सीध पर दर्जा के कर ले परमा। सदनों ऐसे करते करते लड़का 16वीं पास कर ली 30 साल का हो गया। उसी शहर में एक लड़की से आंख लग गई। सजनों इंसान के एक दफे शैतान चढ़ जाता है वो सबको भूल जाता है। लड़की से आंख लग गई। एक रोज घर पर सूता था आधी रात का मौसम था तो आगे क्या होता है रुक देखन से पाप कटल भूल गया उस जननी को। लड़का मन मर पूरी ध्याली चल पड़ा रे घर लानी को चल पड़ा घर लानी। जोर दिखाया तीन कर बारह बजरी रात ना माता हाथ सिर पर धर जा के कर ले परमात्मा के कर ले परमात्मा। सुना माँ की कितनी आत्मा माता हाथ सिर पर धर जा के कर ले परमात्मा। सदनों बताए। बोला भाई मुख देखने से पाप कटे मुख देखने से पाप कटल भूल गया उस जननी को। शैतान चढ़ गया और लड़का मन में पूरी दहली चाल पड़िया गरला। आधी रात का मौसम था विचार लगा लिया बोले भाई इसी टाइम और इसी वक्त मेरे घर पे लेके आओ। उठ करके रवाना हो गया तब माँ विचार लगाया बोले भाई इस घनी रात को कहां जा रहा है। बोले भाई माता ने इनकार किया ले घनी रात में जाने को और लड़का आ बेटा रोटी खा ले रहे नट गया भोजन खाने। माँ की ममता की बेटा आज तूने सुबह से खाना नहीं खाया क्या चक्कर है। मैं तेरा चक्कर को समझ गई क्योंकि तू खाना खाने के लिए उठा। तब रवाना हो गया माँ विचार लगाई बोले भाई कहां जा रहा है। जब जोर दिखाया सीने का 30 साल का हो गया जोर दिखाया सीने का रे
बारह बज रही रात का मां का हाथ सीध पर दर्जा के कर ले परमा। तो मेरे सदनों हाथ जोड़ कर माता बोली राजुलाल कर गुण गान रे विश्वास नहीं ऐसा सांप का माता हाथ सीत पर दर्जा के कर पर सदनों बता है बोले भाई हाथ जोड़कर माता बोली लाल मेरा लेमान और उस देवी की बात न मानी चढ़ गया जबर शैतान। सजनों शीश को ऊपर शैतान बैठ गए कहने लगा बोला भाई तेरी रोटियों को परे ले जाकर के धर ले मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए। बोला भाई राजू लाल करे गुणगान रे विश्वास नहीं ऐसा सांप का मां का हाथ शीश पर दर्जा के कर ले परमा। सदनों मां की बात को नहीं मानी मां के दखा देकर के वहां से रवाना होली। तब लड़की को जाकर के कहने लगा कौन लड़का चेहरा तेरा है तू रूप दीवानी मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरी हो रही जबर जवानी मुझसे शादी कर मेरी मलका हो रही जबर जवानी चंद्र माता चेहरा तेरा है तू रूप दीवानी मुझसे शादी कर मेरी मलका हो रही जबर जवानी मुझसे शादी। Let's go.
लड़का कहने लगे, बोले भाई चंद्रमासा तेरी शकल एक चंद्रमासा मिलती है और तू मेरे दिल में समा गई। बोले भाई चंद्रमासा चेहरा तेरा है तू रूप दीवानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका, तेरी हो रही जबर जवानी। सुंदर रूप अनूप, बोले भाई सुंदर रूप अनूप तेरा है जोबन अहमत वाला, और मेरे जीवन में फूल खिल गया खुलिया करम कि आज मेरा भाग्य खुल गया। कौन रोकेगा मुझको साला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बोले भाई कौन रोकेगा मुझको साला, चाहे मेरी पड़ जाए जान लगानी, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए लेकिन मैं तेरे से शादी करके ही रहूंगा। चाहे पड़ जाए जान लगानी और मुझसे शादी कर मेरी मलका, तेरी हो रही जबरदस्त। सदनों इतनी बात लड़का लड़की से कहता है तो लड़की कहने लगी, लड़की बोली सुन मेरे राजा, क्या तू सच्चे दिल से चाहता। लड़की बोली सुन मेरा राजा, क्या तू सच्चे दिल से चाहता। तेरे जैसे बहुत जगत में तू ही मेरे मन भाता, तेरे जैसे बहुत जगत में तुझे मेरे मन भाता। तेरे प्रेम का पता पड़ जाता, आज करूंगी मनमानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका, हो रही जबर जवानी। मुझसे शादी लड़की कहने लगी लड़का से, लड़की बोली सुन मेरे राजा, क्या तू सच्चे दिल से चाहता, और तेरे जैसे बहुत जगत में पड़ तू ही मेरे मन में। बोला भाई तेरे प्रेम का पता पड़ जाता कि आज तेरे प्रेम का मुझको मालूम पड़ जाएगा कि तू सच्चा है या झूठा है। बोला भाई तेरे प्रेम का पता पड़ जाता, आज करूंगी मनमानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका, तेरी हो रही जबर जवानी। सदनों इतने बार लड़की लड़का से कहती है और फिर कहने लगती है, मेरे लिए क्या क्या कर सकता आज से तू मेरा घरदार, मेरे लिए क्या क्या कर सकता आज से तू मेरा घरदार, मेरे लिए क्या क्या कर सकता आज से तू मेरा घरदार। एक दफे तो जान मान ले तो भी नहीं करता इनकार, एक दफे तो जान मान ले तो भी नहीं करता इनकार।
है सदनों। लड़की फिर कहने लगी, बोले भाई मेरे लिए क्या क्या कर सकता, आज से तू मेरा वरदार। लड़का कहने लगा, बोले भाई एक दफा तो जान मांग ले तो भी नहीं करता इनका। बोले भाई है मेरा जीवन तेरे स्वीकार, चंद्र की चंद्रानी मुझसे शादी कर, मेरी मलका तेरी हो रही जबर जबर। इतने लड़का कहते ही लड़की कहने लगी, अरे तेरी माँ का कार्ड जिगर से दिल धड़के कदमों में लाई, तेरी माँ का कार्ड जिगर से दिल धड़के कदमों में लाई, तेरी माँ का। तब तो तुझको सच्चा मानू जब तेरे से करती प्यार, जब तो तुझको सच्चा मानू जब तेरे से करती प्यार। सुन ले मेरा ये न्याय, सुन ले मेरा ये न्याय, चंद्र की चंद्रानी मुझसे शादी कर नहीं मिलता, बता कभी ने। लड़की कहने लगी, बोले भाई तेरी माँ का कार जिगर से दिल, और तब तो तुझको सच्चा मानू जब तेरे से करती ब्याह। सुन ले मेरा यही नाव चंद्र की चंद्रानी, और मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरे हो रही जबर जब। हाँ तो सजनो, लड़की कहने लगी, बोले भाई तेरी माँ का कार जिगर से दिल धर दे कदमों में लाए, और तब तो तुझको सच्चा मानू जब तेरे से करती गया। बोले भाई सुन ले मेरा यही न्याव चंद्र की चंद्रानी, मुझसे शादी कर मेरी मलका तेरी हो रही जबर जमन। इतने सुनते ही लड़का वहां से रवाना हो गया। अरे मां को मारण चाल पड़ा, मां को मारण चाल पड़ा, मन में नीची विचारी देख पसीना तेरे ऊपर पूछ रही तारी, देख पसीना तेरे ऊपर पूछ रही तारी, पसीना तेरे ऊपर उतर गई Thank you.
की बात बता रे मेरे बेटा, कहाँ से तोड़ा आया। सा की बात बता रे मेरे बेटा, कहाँ से तोड़ा। तेरी बगल दबाया, जाल धनी दुख पा रही, देख पसीना तेरे ऊपर उड़ रही मैं तारी। देख पसीना तेरे आता सजनों बताया है भाई, मां को मारण चाल पड़ेल मन में नीच विचारी और पूंछ पसीना। बोले भाई देख पसीना चेहरे ऊपर पूंछ रही मैं तारी। चेहरा को ऊपर पसीना देख करके मां विचार लगाया, बोले भाई आज ये इतना क्यों घबरा रहा है। बोले भाई पूंछ पसीना पूछन लागी, कैसे तू घबराया। सांची बात बता मेरा बेटा, कहां से दौड़ा आया। बोले भाई के तेरी अब गैल दबाया, के तेरी अब गैल दबाया, जान घनी घबरा रही, देख पसीना चेहरे ऊपर मां पूछ रही मैं। इतने बात मां अपने बेटे से कहती है, फिर कहने लगे बोला तू सुबह का खाना नहीं खाया, होगी जिसको तो हो जानी। तो सदनों आगे क्या होता है, अरे हो गई जिसको हो जाने दे, हो गई जिसको हो जाने दे, आ बेटा भोजन कर ले। आंख दिखाई दुष्टी न ले, ना भोजन वापस धर ले। आंख दिखाई दृष्टि ने ले, भोजन वापस धर ले। मन में दिल ने गाढ़ा कर ले, मन में दिल ने गाढ़ा कर ले, दृष्टि न दया विचारी, देख पसीना चेहरे ऊपर उतर रही मैं तारी। देख पसीना चेहरे ऊपर उतर रही मैं तारी। मेरे सदनों मां कहने लगी, बोले भाई होगी जिसको हो जानी दे, आ बेटा भोजन कर ले। आंख दिखाई अपनी मां को, ले जा भोजन वापस कर ले। बोले भाई मुझे तेरा भोजन नहीं करना। अब बेटा भोजन करने के लिए थोड़ा आया था, वो तो उसका दिल काटने के लिए आया। बोला भाई मन में दिल ने गाढ़ा कर, दुष्टि मन में विचार लगा लिया। बोला भाई तेरा भोजन परेदर लर, अब तेरा दिल को गाढ़ा कर। मन में विचारी, बोला भाई मन में दिल ने गाढ़ा कर ला, दुष्टि ना दया विचारी, देख पसीना चेहरे ऊपर पूछ रही मैं तारी। मां उसका मुखड़े के ऊपर से अपने चीर से पसीना पूछना बंद नहीं किया, क्योंकि मां की ममता एक बहुत बड़ी होती है। तो बताया सदनों कवि ने, अरे भूल गया उस जननी को, अरे भूल गया उस
आई थी मंदिर में तेरे खातिर दर दर ठोकर खाई थी मंदिर में तेरे खातिर दर दर ठोकर खाई थी। सेवा करने खाती ईश्वर ने देही बनाई माती सेवा करने लड़के ने अकल उपाई थी लड़के ने अकल उपाई थी मुझे नींद घड़े ही आ रही पसीना तेरे परमा मुझ ही में थारी मेरे सदनु बोले भाई भूल गया उस जननी को नौ महीने कष्ट उठाई थी मंदिर मस्जिद तेरे खातिर दर दर ठोकर खाई थी। बोले भाई गीले में तो आप पड़ी सूखे में तुझे सुलाई थी मां की सेवा करने खातिर ईश्वर ने देगी भाई लड़के ने अकल उपाई थी। लड़का विचार लगा ले बोला भाई ऐसे चक्कर में नहीं आई लड़के ने अकल उपाई थी मुझे नींद घनेरी आ रही। बोला माँ मुझे नींद आ रही है क्योंकि आज मेरा माथा बिल्कुल खराब है। लड़के ने अकल उपाई थी मुझे नींद घनेरी आ रही देख पसीना चेहरे ऊपर पूछ रही मैं था। तो उधर लड़का सुधरता है और अपने कमरे में जाकर के माँ भी आराम करना चालू कर तो सूते सूते के दिल में विचार आया बोले भाई वो तो अपनी बात देख रही हो कौन वो लड़की। अरे दाग उठा से तान रे मन में बोला बात देख रही होगी इतने में उस दुष्टि की मां तेरी नींद में सोगी इतने में दुष्टी की माँ तेरी नींद में सोगी इतने में उठ छुरी खाती मैं रोकी रे जी उठ छुरी खाती मैं रोकी झूठी खून की पुकारी एक पसीना तेरे ऊपर मेरे सदनु बोले भाई जाग उठा शैतान रे मन में बोले बात देख रही होगी और इतने में
उस दुष्टी की माँ गहरी नींद में सो गई। माँ को बहुत जबरदस्त नींद आ गई। बोला भाई उठा छुरी छाती में रोपी, छूटी खून पिचकारी, देख पसीना चेहरे ऊपर पूछ रही। सदनों रहम नहीं खाई दुष्ट थोड़ा नहीं विचार किया, हाथ भर का छुरा माता के जिगर पार गया। सदनों थोड़ी बहुत रहम नहीं आई, बोले भाई ये अपनी माँ है, इतना भी नहीं विचारा। अपनी माँ का दिल काट करके वहां से रवाना हो गया और आगे क्या होता है। अपनी माँ का छुरा मार दिल कर लिया अन्याय, माँ को मार चलिया रखे दर्दी जरा दया नहीं आई, माँ को मार चलिया रखे दर्दी जरा दया नहीं आई, जरा दया नहीं आई रे, जरा दया नहीं आई, माँ को मार चलिया रखे दर्दी जरा दया नहीं आई। सदनों बोला भाई अपनी माँ का छुरा मार दिल काट लिया अन्यायी, और माँ को मार चला बेदर्दी जरा दया नहीं आई। बोला भाई काट लिया अपनी माँ का दिल, वहां से हुआ रवाना, वहां से हुआ रवाना, एक बार तो फिर भी बोली बेटा मुखड़ा दिखाकर दिल काट काट करके रवाना हो जाता है। जब माँ फिर कहने लगी कि बेटा तू तेरे मन की चाही तो कर, लेकिन मुझे मरते समय तेरा मुखड़ा एक बार और देखा, तू याद सदा मुझे रखना रे। बोले याद सदा ही रखना रे, तेरी करली मन की चाही, माँ को मार चला दे दर्दी जरा दया नहीं है। सदनों एक दफे इंसान के शरीर में शैतान जाग उठता है, वो बिल्कुल नहीं मानना करता, वहां से रवाना हो गया। एक हाथ में माता दी, एक हाथ में चाकू,
जाति समय देख लिया उसको एक पड़ोसी का घर था। जाति समय देख लिया उसको एक पड़ोसी का घर था। पुलिस को खबर जो करता थाने में था, खबर जो करता गाड़ी गल दबाई मार चलर दे एक दफे शैतान जाग जा मान्या कोन्या करता और जाति समय देख लिया उसको एक पड़ोसी का घर था। एक पास में पड़ोसी का घर था, उधर उठे बेहाल क्योंकि सारे कपड़े खूनों में हो रहे, हाथ में चाकू, बोले भाई ये किसका खून करता। घबरा गए, बोले भाई थाने ले जा, खबर जो करता गाड़ी गल दबाई मां को मार चला गया, दर्दी जरा दया नहीं। तो सजनों पीछे पुलिस की गाड़ी लगी, आगे आगे लड़का भग रहा था, दोनों हाथों में वस्तु, एक में चाकू था, एक में मां का दिल था। इंसान से भगा नहीं गया, एक हाथ में मां का दिल और एक हाथ में चाकू, खाके ठोकर पड़ा पत्थर से बोला मां कहां दादी। मेरे सजनों, बोले भाई एक हाथ में मां का दिल और एक हाथ में चाकू, खाके ठोकर पड़ा पत्थर से बोलिया मां कहां। अचानक पत्थर की ठोकर खा करके गिर गए, अचानक मां का नाम मुख से निकल गया। बोले भाई अचानक बोलिया मां अब मैं कैसे बचूं। तब मां का दिल कहने लगा, बोले भाई मैं तेरी मां कद की लागू, अचानक बोले भाई मैं तेरी मां कद की लागू पर तेरे तो चोट नहीं आई। बोले बेटा मगर तेरे कोई चोट नहीं आनी चाहिए। बोले तेरे तो चोट नहीं आई, मां को मार चला गया, दर्दी जरा दया नहीं। सजनों फिर अपनी मां का दिल पड़ा हुआ को हाथ में उठा करके वहां से रवाना हो गया। फिर उठा लिया मां का दिल को, जो तूने सो आ तूने मांगा सोई लिया दिया रे, कर दी तेरे मन की चाह। तूने मांगा सोई लिया दिया कर दी तेरे मन की चाह। देख भयंकर खून को लड़की
तेरी माँ का ना हुआ मेरा तो हो सकता ना तुन तेरी इतने में पुलिस गई आई इतने में पुलिस गई आई थकड़ी पैर आई मां को मार तलर ले डरती गगया नहीं लाई मेरे सजनों बोले भाई फिर उठा लिया मारता दिल को कदमों माए दृहद देखो जाए लड़की के जाकर के कदमों में दिल रख दिया कदमों माए दृहद देखो जाए तूने माना सोई ला दिया कर दी तेरे मन की चाय बोले भाई तू मुझसे मेरी मां का दिल मंगाया था ये भी मैं तेरे को लाकर के दे दिया बोला भाई देख भयंकर खोने को लड़की मां का दिल को देखते ही लड़की विचार लगा ले बोला भाई बहुत घोर अन्याय हो देख भयंकर खोने को लड़की मन ही मन गई घबराए तूने तेरी मां का ना हुआ मेरा तो हो सकता ना बोला शैतान तू तेरी मां का ही नहीं हुआ तो मैं तेरे से शादी कर लूंगी कोई तेरे को और लड़की मिल जाएगी वो लड़की कह देगी बोला भाई तू तेरी औरत का दिल काट करके लेके आओ जब मैं तेरे से शादी करूंगी तो तू मेरा भी दिल को काट सकता है तूने तेरी मां का ना हुआ मेरा तो हो सकता ना इतने में पुलिस गई आए पिछाड़ी से पुलिस आ गई बोले भाई इतने में पुलिस गई आए हाथ अथकड़ी पर आई मां को मार चला दे दर्दी जरा दया सरदनी पकड़ करके आंखों में हथकड़ी पहरा दी सदरों अरे सोच समझ कर चालो रे नरी सोच समझ कर चालो रे नर गाई जाती लुगाई की सब मर्दों का घर बगाड़ मीठी छुरी चलाई सब मर्दों का घर बगाड़ तब मीठी छुरी चलाई मीठी छुरी चलाई आ मीठी छुरी जलाई गी सब मर्दों का घर बगाड़ तब मीठी छुरी चलाई गी मेरे सदनों बता कवि ने सोच समझ कर चालो रे नर कहीं जात लुगाई की और सब मर्दों का गर्भ गाड़ प्रभु मीठी छुरी चलाई भगवान एक ये औरत का नाम ऐसा रख दिया एक औरत चीज ऐसी बना दी जो कि बड़े बड़े योद्धा हूं
इस औरत के चक्कर में आकर के खप गए। तो बताया क्या मिला? हाथ हाथ कड़ी डाल पुलिस ले ले जाने ही थाने अमा, हाथ हाथ कड़ी डाल पुलिस ले जाने ही थाने अमा। खड़ा किया कोर्ट में उसको पूछ रहे रसम जाने अमा, खड़ा किया कोर्ट में उसको पूछ रहे रसम जाने अमा। अब तेरी माँ का खून तू हुआ जल्दी बोल बकाने अमा, ना बोले तो कहन लग्या र जजी के वो किसको ताने अमा, ना बोले तो कहन लग्या जजी। आएगी अकल ठिकाने अमा, आएगी अकल ठिकाने अमा, जबर भेजा दोई सिपाही दी। आएगी अकल ठिकाने हमारा जब भेजा दोई सिपाही दी, सब मर तू का गर्व गण प्रभु ही थी तुरी चलाई। मर्दों का गर्व गाड़ा तब चलाई। मेरे सजनों, मतलब हाथ हाथ अर्थकड़ी पैरा चल ले जा मेली थाने में खड़ा किया कोर्ट में उसको पूछ रहे समझाने। पूछने लगे बोले भाई तेरी माँ का खून क्यों हुआ जल्दी बोल बखाने में। बोले जल्दी बोल तेरी माँ का खून क्यों आ, तूने कैसे तेरे हाथों से तेरी माँ का खून करी किया। सजनों, तूने तेरी माँ क्या कोई मुसीबत कोई मतलब दुख में रखती थी या तुझे प्यार नहीं देती थी? ऐसी ऐसी बातें खुद खड़ा होकर के पूछना चालू कर दे। बोला भाई तेरी माँ का खून क्यों हुआ जल्दी बोल बखाने में, ना बोला तो कहन लग गया जज देव इसको ताने। बोलने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं बोला। बोला भाई नहीं बोला तो इसको काट पिंजरा में दे दिया जाए। पुरानी भाषा है, पहले के जमाने में एक काट का आता उसमें इंसान को देते ही परेशान होता, सारी बात बता दिया। बोला भाई आएगी अकल ठिकाने में कि भाई इसकी अकल जब आएगी ठिकाने, आएगी अकल ठिकाने में जब भेजा दो सिपाही जी, सब मर्दों का गर्व गाल प्रभु मीठी छुरी चलाई। थानादार अंदर ले जाता है। अरे कास पिंजरा में दे करके क्रोध किया जब थानेदार, ले हाथ में डंडा कर दिया ठंडा खूब करी रे लड़के की मार, ले हाथ में डंडा कर दिया ठंडा खूब करी लड़के की मार। बहुत केस पकड़े हैं मैंने तुझ जैसा पकड़ा पहली बार, माँ की ममता सुन के ही दे दर्द के दिल में आ जा प्यार, माँ की ममता सुन के ही दे दर्द के दिल में लगे दोबारा तो रख दरबार जज मौत की सजा सुनाई दी, सब मर्दों का गर्भगार प्रभु मीठी छुरी चलाई दी। मेरे सदनों, काट पिंजरा में देकर के क्रोध किया जब थानेदार,
ले आत्मडंडा कर देना ठंडा खूब कही खूब करी लड़के की मां। बोले भाई बहुत केस पकड़े हैं मैंने तुझे सा पकड़ा पहली बार, मां की ममता सुनते ही बेदर्दी के दिल में आ जा गया लगा। बोले भाई लग्या दोबारा कोर्ट दरबार जज मौत की सजा सुनाई जी। बोले भाई इसको मौत मौत की सजा दे दी जाए, मौत की सजा सुनाई जी। सब मर्दों का घर बगाड़ प्रभु मीठी छुरी जलाई। तो सदनों मौत की सजा सुनते ही मां का दिल पुकार उठता है, तो बताया कभी ना आगे क्या बताया है। अरे सजा सुनी अपने बेटे की, सजा सुनी अपने बेटे की, बोला मां का दिल पुकार उठा मेरा बेटा खूनी कोना बिल्कुल थानादार झूठा, मेरा बेटा खूनी कोना बिल्कुल थानादार झूठा। बच्चा है नादान होश नहीं बेरहमी से तू कूटा, जज की आंखों में आंसू आ गए बरी की अरघट कलम उठा, जज की आंखों में आंसू आ गए बरी की अरघट कलम उठा। राजेंद्र का ग्राम धानु का, अरे राजेंद्र का ग्राम धानु का, राय लालूरा में बताई दी सब मर्दों का गर्भगार मीठी छुरी चलाई, सब मर्दों का गर्भगार मीठी छुरी चलाई। आज ये प्रोग्राम शाम सीरीज की ओर से पेश किया जा रहा है। गायक राजेंद्र राव, ढोलक मास्टर सदीक भाई, मंजीरा वादक बाबूलाल, निर्देशक एस पी नानू राम। कैसेट मिलने का पता श्याम रेडियो 155 नेहरू बाजार देख।